स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स फोर्थ बीए के अंतर्गत एमर्जेंस ऑफ टीचिंग मेथड पढ़ेंगे, यानी हमारी शिक्षण विधियों का उदय। छात्रों, जैसे कि आप सबको पता है कि कोई भी काम करने के लिए हमें एक विशेष प्रकार के तरीके की जरूरत होती है। वो तरीका किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कोई खाना बनाना, कोई बिल्डिंग बनाना, या कोई भी और काम करना। किसी भी तरीके से हम कोई भी काम करते हैं, उसको करने के लिए हमें विशेष प्रकार के एक मेथड की जरूरत होती है। उस मेथड को हम इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि हमारा काम अच्छे तरीके से, सरल तरीके से और जल्दी और समय पर जो है पूरा हो जाए। ऐसे ही हम अपने शिक्षण में भी अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम टीचिंग मेथड कहते हैं, शिक्षण विधियां कहते हैं। इन शिक्षण विधियों के माध्यम से क्या हम बच्चों को आसानी से जो है अपना पाठ्यक्रम है जो वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उन्हें अनेक प्रकार से ज्ञान दे सकते हैं। तो हमारे कुछ टीचिंग मेथड है जो हम अपने टीचिंग में यूज करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा स्टोरी टेलिंग मेथड, कहानी शिक्षण। कहानी शिक्षण में क्या होता है कि हम एक कहानी के माध्यम से बच्चों को अपना जो है सिलेबस या हमें जो भी टॉपिक पढ़ाना होता है बच्चों को, वो एक कहानी के माध्यम से पढ़ाते हैं। जो स्टोरी टेलिंग मेथड है, ये विशेष रूप से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक उपयोगी है, क्योंकि इस कक्षाओं में छोटे बच्चे होते हैं, उनका मानसिक जो है बौद्धिक स्तर जो है वो कम होता है, वो कहानी के माध्यम से अच्छे तरीके से कोई भी चीज को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इसीलिए हम तो छोटी क्लासेस में स्टोरी टेलिंग मेथड प्रयोग करते हैं, जिससे हम छोटे बच्चों को आसानी तरीके से कोई भी चीज है जो समझा सके। स्टोरी टेलिंग मेथड में हम जो है रामायण की कहानी या महाभारत की कहानी भी अपने बच्चों को बताकर अपने इतिहास की जानकारी दे सकते हैं। दूसरा है हमारा टेक्स्ट बुक मेथड। टेक्स्ट बुक मेथड में हम अपनी पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करते हैं। एक अध्यापक के पास कक्षा के अनुसार, वो कोई भी कक्षा हो सकती है, और बच्चों के बौद्धिक स्तर के अनुसार कोई भी पुस्तक उसके पास होती है, उसके हाथ में होती है, उसकी लाइब्रेरी में होती है, तो वो उनकी सहायता से जो है बच्चों को अपना पाठ्यक्रम पूरा कराता है, या उसे जो भी ज्ञान देना होता है, जो भी चीज समझानी होती है, तो पाठ्य पुस्तकों की सहायता से देता है। हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा कि हमारी पाठ्य पुस्तक है जो वो विशेष रूप से बच्चों के बौद्धिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। बौद्धिक स्तर के अनुसार कैसे, जैसे अगर हमारे बच्चे छोटे हैं, कक्षा 1 से 5 के हैं या कक्षा 1 से 6 तक के हैं, तो बच्चों की पुस्तकें हैं जो रंगीन होनी चाहिए, उनमें अधिक से अधिक चित्र होने चाहिए, चित्रों के माध्यम से उनमें कहानियां को बताया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे बड़े बच्चों के लिए अधिक से अधिक पन्न वाले बुक्स होनी चाहिए, किताबें होनी चाहिए, उनमें अधिक से अधिक व्याख्या होनी चाहिए, क्योंकि उनका बौद्धिक स्तर अच्छा होता है, तो इसलिए उनके लिए व्याख्या होना अधिक से अधिक जरूरी है, और उसमें डायग्राम होनी चाहिए ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ सके और जान पाए। उसके बाद है हमारा सोर्स मेथड। सोर्स मेथड, एक अध्यापक के पास कक्षा में जो भी सोर्स होते हैं या साधन होते हैं, उन्हीं की सहायता से वह अपने बच्चों को पढ़ाता है। ये सोर्स 2 प्रकार के होते हैं, जैसे प्राथमिक स्रोत और सेकेंडरी स्रोत। प्राथमिक स्रोत में आएंगे हमारे जैसे ऐतिहासिक भवन, कोई भी पुराना स्कूल, कोई पुरानी इमारत, कोई सड़क, या फिर जैसे पुराने अखबार, कोई भी हमारे लोकगीत, कोई भी जो है हमारी डायरी, इस तरह की सारी चीजें हैं जो हमारे सोर्स मेथड में आएंगे। हमारे पास कोई भी साधन है किसी भी तरह का, चाहे वो रिटन में हो, ओरल में हो, या फिर कोई पुरानी वस्तु है, वो हमारे सोर्स मेथड में आएगी। स्रोतों की सहायता से बच्चों को पढ़ाना सोर्स मेथड कहलाता है। उसके बाद है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड यानी अवलोकन मेथड। अवलोकन मेथड में क्या होता है कि देखकर पढ़ना या देखकर सीखना। जैसा कि हम अपनी आंखों से बहुत कुछ देखते हैं, घर से निकलते ही जैसे हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, अपने रास्ते के दौरान हम बहुत सी चीजें देखते हैं, या हम घर से अपने काम पर जा रहे होते हैं तो भी हम अपने रास्ते के दौरान बहुत सी चीजों को देखते हैं। कोई व्यक्ति सब्जी बेच रहा होता है, कोई व्यक्ति अपने घर की तरफ जा रहा होता है, और भी बहुत सी चीजें हैं जो हम अपने रास्ते के दौरान देखते हैं। तो इन सब चीजों से हम कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। कोई भी चीज हम देख कर सीखते हैं, जैसे किसी को व्यक्ति को अगर हम रसोई के अंदर देखते हैं, वो खाना बना रहा है, तो हम दूर से देखने की कोशिश करते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे खाना बना रहा है। कोई मजदूर बिल्डिंग में काम कर रहा है, कोई भवन बना रहा है, या राजमिस्त्री जो है दीवार बना रहा है, तो हम दूर से देखते हैं कि वो कैसे ईंटों को रख रहा है, कैसे मजदूर है,
जो है सीमेंट से मसाला तैयार कर रहा है। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन मेथड यानी अवलोकन मेथड, आंखों का अधिक से अधिक प्रयोग करके कोई चीज सीखना अवलोकन मेथड ऑब्जर्वेशन मेथड है। छात्रों आपको याद होगा कि महाभारत के दौरान गुरु द्रोणाचार्य जी से एकलव्य ने ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा ही जो है शिक्षा प्राप्त की थी। जब गुरु द्रोणाचार्य जी अपने छात्रों को शिक्षा दे रहे थे तो एकलव्य चोरी से छुपे छुपे उनको दूर से देखता था कि गुरु द्रोणाचार्य जी कैसे अपने छात्रों को शिक्षा दे रहे थे, यानी वो सिर्फ देखकर अवलोकन करके उसने एकलव्य ने शिक्षा प्राप्त की। तो इस तरह से ये था हमारा अवलोकन मेथड। तो नेक्स्ट है हमारा लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड यानी व्याख्या विधि। व्याख्या विधि में क्या होता है कि एक अध्यापक के द्वारा किसी एक वस्तु के बारे में अधिक से अधिक जानकारी व्याख्या के द्वारा दी जाती है। कोई भी प्राचीन वस्तु हो गई या कोई भी वर्तमान से संबंधित कोई भी समस्या हो गई या भविष्य को लेकर कोई भी जो है परेशानी हो गई, किसी भी तरह की कोई भी चीज को लेकर एक अध्यापक द्वारा अधिक से अधिक उसकी व्याख्या कराई जाएगी। और इस दौरान क्या होगा कि जो छात्र होंगे उस व्याख्या को या तो नोट कर सकते हैं या फिर जो मेन हेडिंग है उनको नोट करके अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये मेथड विशेष रूप से बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे प्लस वन प्लस टू या उसकी आगे की कक्षाएं हैं, उच्च कक्षाएं हैं, उनके लिए ये मेथड विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि उन बच्चों का मानसिक स्तर उच्च होता है और वो आसानी से कोई भी बात अपने अध्यापक की व्याख्या को समझ सकते हैं। तो इसलिए लेक्चर मेथड में अधिक से अधिक किसी भी चीज को लेकर व्याख्या दी जाती है ताकि बच्चे अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है हमारा सर्वे मेथड यानी सर्वेक्षण मेथड। सर्वेक्षण मेथड में किसी एक स्थान पर जाकर, किसी एक विशेष स्थान पर जाकर वहां से जानकारी और डाटा एकत्र किया जाता है। किसी भी समस्या को लेकर भी यह सर्वे किया जा सकता है या किसी भी नवीन जानकारी को प्राप्त करने के लिए भी सर्वे किया जा सकता है। छात्रों जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश में प्रति 10 वर्ष के दौरान, प्रति 10 वर्ष के बाद में जो सर्वेक्षण कराया जाता है, सर्वे कराया जाता है, हमारी जनसंख्या के आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं और ये सर्वेक्षण मेथड के द्वारा, सर्वे मेथड के द्वारा ही लिए जाते हैं। इस मेथड में क्या होता है एक टीम बनाई जाती है, टीम के एक हेड होता है और उसके कुछ सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य घर घर जाकर वहां के सदस्यों से जानकारी प्राप्त करता है, कितने सदस्य हैं, कितने में पढ़े लिखे हैं, कितने उनमें छात्र हैं और कितने उनमें जो है काम पर जाने वाले हैं। तो इस तरह से ये था हमारा सर्वे मेथड। सर्वे मेथड भी जो है हमारे उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में एक समस्या को छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ये समस्या पारिवारिक भी हो सकती है, समाज की भी हो सकती है, हमारे गली मोहल्ले की भी हो सकती है, हमारे देश या समाज की भी हो सकती है या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर की भी कोई समस्या हो सकती है। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में एक समस्या जो है बच्चों को दी जाती है और बच्चे उस समस्या पर अध्यापक के निर्देशन के द्वारा काम करते हैं और यह काम उनको खुद करना होता है। वो यह खुद तलाश करते हैं कि यह प्रॉब्लम है जो क्यों पैदा हुई, यह समस्या क्यों पैदा हुई और इसके निवारण के लिए क्या है जो उपाय हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक अध्यापक है जो समस्या का चुनाव करता है, उसके बाद वह छात्रों का एक ग्रुप तैयार करता है। उस ग्रुप में बॉयज गर्ल्स रखने हैं, ये गर्ल्स बॉयज रखने हैं, उनके मानसिक स्तर है जो बराबर वाले रखने हैं या जो ऐसा ग्रुप बनाना है कि हमें उनमें एक है जो उच्च मानसिक स्तर वाला बच्चा रखना है और बाकी उसमें जो है सामान्य मानसिक स्तर वाले बच्चे रखने हैं। तो ये सब जो है एक अध्यापक के द्वारा किया जाता है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। और लास्ट है हमारा डेमोंस्ट्रेशन मेथड यानी प्रदर्शन मेथड। इसमें क्या है एक अध्यापक के द्वारा किसी भी चीज का प्रदर्शन किया जाता है। जैसे अगर हम जो है बच्चों को ताजमहल के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो हम ताजमहल का एक छोटा सा नमूना यानी एक छोटा सा जो है मॉडल बच्चों के सामने मेज पर रखेंगे और फिर बच्चों को बताएंगे कि बच्चों ये ताजमहल है और इसमें यहाँ पर ये चार जो है मीनारें बनी हुई हैं और बीच में जो ताजमहल है और इस तरह से इसकी बाउंड्री हुई है, इसके आगे जो है ये पार्क बना हुआ है और उसमें जो है फव्वारे लगे हैं। तो इस तरह से एक जो है छोटा सा नमूना हम किसी भी चीज को बच्चों के सामने प्रदर्शित करते हैं। उसके अलावा जैसे अगर हम पृथ्वी के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो हम ग्लोब का इस्तेमाल करेंगे। ग्लोब पृथ्वी का सबसे अच्छा उदाहरण है। ग्लोब के द्वारा हम बच्चों को बता सकते हैं कि कौन सा देश कहाँ पर है,
कौन कौन से महासागर पृथ्वी पर है, पृथ्वी कैसे आकार की है, दूर से देखने में कैसे लगती है और वास्तविक आकार में देखने में कैसे लगती है। उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में ही हम चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। चार्ट के इस्तेमाल में हम किसी भी प्रकार की दिशाएं होंगी हैं या फिर किसी भी प्रकार की स्थिति को दिखाने के लिए कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीजें, जैसे भारत में गेहूं की फसल कहाँ कहाँ उगाई जाती है या भारत में कौन कौन से उद्योग कहाँ कहाँ पर है, तो ये सारी चीजें हैं जो हम एक चार्ट में बता सकते हैं। तो इस प्रकार डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में एक अध्यापक द्वारा ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन किया जाता है और बच्चों को एक इंटरेस्टिंग और मनोरंजक तरीके से कोई भी ज्ञान आसानी से और बड़े सरल तरीके से दिया जा सकता है। तो आज हमने जो है इमरजेंस ऑफ टीचिंग मेथड पढ़ा, ठीक है, और कल हम कुछ और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है, थैंक यू।